मंडला आदिवासी जिले की निवास तहसील अंतर्गत ग्राम बिंदरिया का बजरंग मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि यहां गौर नदी का उद्गम स्थल है। गौर नदी के इस उद्गम स्थल पर पवन पुत्र हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहां विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह मूर्ति कलचुरी काल की है। जानकारों का कहना है कि पवन पुत्र की प्रतिमा 8वीं से 12वीं सदी के बीच की है। यहां मांगी गई सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रतिमा वर्तमान में 7 फीट की है। लोगों की मान्यता है कि प्रतिमा लगातार बढ़ रही है। जब यह मूर्ति मिली थी तब लगभग 3 फीट की थी और ग्रामीणों ने छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया था, पर लगातार मूर्ति का कद बढ़ने लगा और वर्तमान में यह मूर्ति 7 फीट की हो गई और मंदिर भी छोटा पड़ने लगा, तो मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है। इस मूर्ति को कुछ वर्षों पहले चोरी करने का असफल प्रयास किया गया था। यहां अखंड रामधूम का आयोजन किया जा रहा है। और हनुमान जयंती पर विशेष पूजा कन्या भोज भंडारे का आयोजन किया जाता है। पुरातत्व से रुचि रखने वाले प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान बजरंग बली की प्रतिमा अति प्राचीन छोटे रूप में थी और सिद्ध क्षेत्र है। आज 7 फीट में पहुंच चुकी है अदम्य मूर्ति है, आप जैसा देख रहे हैं। और यहाँ पास में ही गौर नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ बंदरिया ही नहीं आसपास के समूचे क्षेत्र की मवेशियां जानवर पानी पीते हैं। और इस मंदिर पे मेरी ही नहीं, समूचे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक और भी सारे समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं काफी प्राचीन समय से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी ही मेरा मन विचलित होता है या कोई संकट में रहता हूँ, यहाँ मंदिर पे आके काफी शांति मिलती है। कई क्षेत्रों से लोग अपनी मनोकामनाएं लेके इस मंदिर पे आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। समय समय पे यहाँ विशाल आयोजन ग्रामीण जनों के सहयोग से किए जाते हैं। वही रोबिन बरगया ने कहा कि इस जगह को प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। 16 से 17 से रह रहा हूँ बाबा जी की सेवा की। बाबा जी जाने के बाद मैं यहाँ प्रभु स्वामी की सेवा कर रहा हूँ और ये दूसरा वर्ष चल रहा है मेरा सेवा करते, और अकेला इस स्थान में रह रहा हूँ प्रभु के चरणों में। और ये जंगल में है ये स्थान। क्या सुना था आपने इनके बारे में? इनके बारे में ये प्रवेश द्वार बहुत पुराना ये मंदिर है। 6 फीट पहले बताया गया था यहाँ के बुजुर्गों ने, तो अभी देखते देखते 6.5 फीट हो गए। हनुमान जी का मूर्ति, ये चमत्कार हनुमान जी है। बहुत यहाँ चमत्कार, बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए, बहुत भीड़ रहती है। हनुमान जयंती कल है, शनिवार को, कल भी भीड़ रहेगा यहाँ। वही इस आस्था के केंद्र पर प्रदेश के कोने कोने से भक्त विशेष पूजा करने पहुंच रहे हैं। निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट।